हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट से लेकर सेवेंथ पार्ट तक सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड, और फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 4.8 डिवाइडेड बाय 10, यानी हमें 4.8 को डिवाइड करना है 10 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें 4.8 को डिवाइड करना है 10 से, तो 4.8 न्यूमरेटर में आएगा और ये जो 10 है ये डिनोमिनेटर में आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक जीरो है, हम इस जीरो को यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। तो डेसिमल हमें यहाँ दिख रहा है, तो जब हम ये जीरो यहाँ से डिनोमिनेटर से हटाएंगे तो ये डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो ये 4 और 8 तो यहाँ पर हमने एज इट इज रखा और ये डेसिमल पहले यहाँ पर था, तो यहाँ से ये एक डिजिट शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। और इस डेसिमल के लेफ्ट में आप ये जीरो दिखा सकते हैं, इस जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, सिर्फ लिखने का एक तरीका है। तो जब हमने 4.8 को डिवाइड किया 10 से तो हमें आंसर मिला है 0.48। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 52.5 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि हमें 52.5 को डिवाइड करना है 10 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें 52.5 को डिवाइड करना है 10 से, तो 52.5 यहाँ न्यूमरेटर में आएगा और ये 10 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा। अब देखिए, डिनोमिनेटर में एक जीरो है, हम इस जीरो को यहाँ से हटाएंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। तो न्यूमरेटर में डेसिमल हमें यहाँ नजर आ रहा है, तो जब हम डिनोमिनेटर से एक जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो 525 यहाँ पर हमने एज इट इज लिखा और ये डेसिमल पहले यहाँ पर था, अब ये एक डिजिट यहाँ से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा और यहाँ आ जाएगा। तो जब हमने 52.5 को डिवाइड किया 10 से तो हमें आंसर मिला है 5.25। अब हम थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 0.7 डिवाइडेड बाय 10, यानी हमें 0.7 को डिवाइड करना है 10 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें 0.7 को डिवाइड करना है 10 से, तो 0.7 यहाँ न्यूमरेटर में आएगा और ये 10 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा। अब यहाँ डिनोमिनेटर में एक जीरो है, हम इस जीरो को यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। तो न्यूमरेटर में डेसिमल हमें यहाँ नजर आ रहा है। अब हम अगर डिनोमिनेटर से एक जीरो हटाते हैं तो ये डेसिमल यहां से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा। तो ये 0 और 7 यहां पर हमने एज इट इज रखा और ये डेसिमल जो पहले 0 और 7 के बीच में यहां पर था, ये यहां से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा। और इस डेसिमल के लेफ्ट में आप ये जीरो दिखा सकते हैं, डेसिमल के लेफ्ट में जो जीरो होती है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो जब हमने 0.7 को डिवाइड किया 10 से तो हमें आंसर मिला है 0.07। अब हम फोर्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 33.1 डिवाइडेड बाय 10, यानी हमें 33.1 को डिवाइड करना है 10 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब क्योंकि 33.1 को डिवाइड करना है 10 से, तो ये 33.1 यहाँ पर न्यूमरेटर में आएगा और ये 10 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक जीरो है, हम इस जीरो को यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ है, डेसिमल हमें यहाँ नजर आ रहा है। और जब हम डिनोमिनेटर से एक जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो ये 331 यहाँ पर हमने एज इट इज लिखा और ये डेसिमल जो पहले यहाँ पर था, ये यहाँ से एक डिजिट शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया। तो जब हमने 33.1 को डिवाइड किया 10 से तो हमें आंसर मिला है 3.31। अब हम फिफ्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है 272.23 डिवाइडेड बाय 10, तो हमें 272.23 को डिवाइड करना है 10 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब क्योंकि हमें 272.23 को डिवाइड करना है 10 से, तो 272.23 तो न्यूमरेटर में आएगा और ये 10 यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक जीरो है, हम इस एक जीरो को यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ है। तो न्यूमरेटर में डेसिमल हमें यहाँ नजर आ रहा है, तो जब हम डिनोमिनेटर से एक जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो 27223 ये हमने यहाँ पर एज इट इज लिख लिया और ये डेसिमल पहले यहाँ पर था, यहाँ से ये एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ गया।
तो जब हमने 272.23 को डिवाइड किया 10 से, तो हमें आंसर मिला है 27.223। अब हम सिक्स्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। सिक्स्थ पार्ट में हमें दिया गया है 0.56 डिवाइडेड बाय 10। हमें 0.56 को डिवाइड करना है 10 से, तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब क्योंकि हमें 0.56 को डिवाइड करना है 10 से, तो 0.56 तो न्यूमरेटर में आएगा और ये 10 यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक जीरो है, हम इस एक जीरो को यहाँ से हटाएंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। न्यूमरेटर में डेसिमल हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, तो जब हम डिनोमिनेटर से एक जीरो हटाएंगे, ये डेसिमल यहां से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा। तो देखिए 0.56 तो यहां पर हमने एज इट इज रखा और ये डेसिमल पहले यहां पर था, जीरो और फाइव के बीच में, तो यहां से ये डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा। और इस डेसिमल के लेफ्ट में हम ये जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट की जो जीरो होती है इसकी कोई इंपोर्टेंस नहीं होती है। तो जब हमने 0.56 को डिवाइड किया 10 से, तो हमारा आंसर आया है 0.056। अब हम सेवेंथ पार्ट को सोल्व करेंगे। सेवेंथ पार्ट में हमें दिया गया है 3.97 डिवाइडेड बाय 10। हमें 3.97 को डिवाइड करना है 10 से, तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब क्योंकि हमें 3.97 को डिवाइड करना है 10 से, तो 3.97 तो न्यूमरेटर में आएगा और 10 यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक जीरो है, हम इस एक जीरो को यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। तो डेसिमल हमें यहाँ नजर आ रहा है, तो जब हम डिनोमिनेटर से एक जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से एक डिजिट शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 397 तो हमने यहाँ पर एज इट इज लिखा और ये डेसिमल पहले यहाँ पर था, यहाँ से एक डिजिट शिफ्ट होकर लेफ्ट में यहाँ आ गया और इस डेसिमल के लेफ्ट में हम ये जीरो दिखा सकते हैं। तो जब हमने 3.97 को डिवाइड किया 10 से, तो हमें आंसर मिला है 0.397। आई होप स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।